बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब? अच्छा जी, ये वीडियो अभी यूट्यूब के रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहली वीडियो मेरे ख्याल मैंने बनाई थी जिसमें थोड़ा सा ओवरव्यू था और अपलोड करने का तरीका था कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीडियो थी आई थिंक चैनल कस्टमाइजेशन पे। सो ये वीडियो है चैनल की सेटिंग पे, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। अब आप लोग YouTube स्टूडियो पे आ गया। ठीक है, स्टूडियो खोल दिया। स्टूडियो खोलने के बाद ये एक तो ये चल रहा है सिस्टम, ठीक है, इसको छोड़ दें। ये नीचे लिखा हुआ सेटिंग, सेंड फीडबैक के ऊपर है सेटिंग्स। सेटिंग्स आप ओपन करेंगे, यहाँ क्या है, पहला नंबर पे है जर्नल, डिफ़ॉल्ट यूनिट्स जो हैं। ठीक है, करेंसी पहले तो आप अपनी यहाँ पर सेट कर लें, कौन सी करना चाह रहे हैं। मैंने US डॉलर की हुई है। सेकेंड वन क्या चीज़ है, चैनल। चैनल की बेसिक इन्फो है, ठीक है, मार अजीम सयाल, ये क्या है, चैनल नेम है। यहाँ पे ये कह रहा है गूगल अकाउंट पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, टू एडिट चैनल नेम विजिट योर गूगल अकाउंट। लेकिन हम चैनल कस्टमाइजेशन में भी अपना ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था। नीचे आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो कौन सी है, मैंने तो पाकिस्तानी रखी है क्योंकि पाकिस्तान का रहायशी हूँ। ठीक है, आप जहाँ के हों वहाँ का लगा सकते हैं, तो वैसे पाकिस्तानी लगाएंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे या इंडियंस होंगे या बांग्लादेश वाले होंगे, उर्दू वही समझ सकते हैं ना, उर्दू हिंदी एक जैसी होती है ना। अच्छा, नीचे कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये चैनल कीवर्ड्स होते हैं। एक तो वीडियो के साथ कीवर्ड्स लगाते हैं ना, लेकिन ये चैनल कीवर्ड्स हैं जो आप चैनल के यहाँ पे डिफॉल्ट पे लगा देते हैं, जो आपका चैनल इनके थ्रू जो है सर्च हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें सेकेंड टैब है एडवांस सेटिंग्स का। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ऑडियंस है। सिंप्लीफाई योर वर्क फ्लो बाय सेलेक्टिंग अ चैनल सेटिंग। इफ़ यू स्किप दिस क्वेश्चन यू विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ईच वीडियो ऑन योर चैनल दैट्स मेड फॉर किड्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने सेटिंग क्या करनी है, सेटिंग ये करनी है कि आपका ये चैनल, इस पर आप कॉन्टेंट जो है वो बच्चों के लिए भी दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, किड्स के लिए ये आपने बनाया या नहीं बनाया। सो मैंने इसको नो किया, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर किड्स। किड्स के लिए बना नहीं रहा हूँ ना मैं, तो बड़ों के लिए बना रहा हूँ ना, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड जो हैं। ठीक है, आगे आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अगर मैं हर तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ तो मैं हर वीडियो पे ही इसका जो है सेटिंग दूंगा, हर वीडियो जब मैं अपलोड करने लगूँगा तब मुझे ये पूछेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको नो कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं गूगल एड्स जो एडसेंस का अकाउंट होता है ना उसकी बात हो रही है। अब मैंने गूगल एड्स का अकाउंट जो है ये लिंक किया हुआ है ऑलरेडी अपना। ठीक है, इसको मैं लिंक कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरा आपका तो ये शो नहीं हो रहा होगा, आप लिंक अकाउंट करके अपना अकाउंट लिंक कर लेंगे एड्स का, गूगल एड्स का, सॉरी एडसेंस का नहीं, एड्स का, गूगल एड्स का अकाउंट। ठीक है, नीचे क्या चीज़ें आ जाए, सब्सक्राइबर काउंट, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं वो आपके चैनल पे शो हों कि इतने बंदों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, देन आप इसको डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल ये लिख लेंगे, जैसे ये मेरे चैनल पर आ रहा है नीचे, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 1.5 से 6K सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको ये कर देता हूँ और इसको सेव करूँगा तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, किसी को शो नहीं होगा, पब्लिकली नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो पब्लिकली शो हो रहा होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स जो है ये डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, इसको डिसेबल ना ही करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड एड्स जो हैं वो चलनी चाहिए ये आपके चैनल पर जो किसी भी लोगों के रिलेटेड है। ठीक है, अदर सेटिंग्स इसके, मैंने यूट्यूब अकाउंट अगर ये करना है तो ये और जगह पर खोल के चला जाएगा, कस्टमाइजेशन पे चला जाएगा या आपके गूगल अकाउंट पे चला जाएगा। रिमूव यूट्यूब कंटेंट, ठीक है, हमने नहीं करना भाई, रहने दो। थर्ड वन चीज़ क्या है, फीचर एलिजिबिलिटी है, ये आपकी शो हो रही होती है एलिजिबल हैं या नहीं है। अब ये डिफ़ॉल्ट फीचर्स जो हैं, अपलोड वीडियोज़, क्रिएट प्ले लिस्ट एंड एड कोलैबोरेटर्स एंड न्यू वीडियोज़ टू प्ले लिस्ट, ये मेरा इनेबल्ड है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू चैनल होगा आई थिंक उसका नहीं होगा, या शायद वेरीफाई करने के बाद हो जाएगा। फीचर डेथ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फ़ोन वेरिफिकेशन, अगर फ़ोन वेरिफिकेशन आप करते हैं तो उसके बाद क्या इनेबल होगा, वीडियोज़ ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कॉन्टेंट आईडी अपील्स, के आप 15 मिनट से ज़्यादा जो है वीडियो वो अपलोड कर सकते हैं। थंबनेल कस्टम जो है वो आप खुद लगा सकते हैं अपना। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। कंटेंट आईडी अपील्स जो है, अगर आपके कोई स्ट्राइक वगैरह आई है तो आप उसकी अपील वगैरह कर सकते हैं, उसका ये सिस्टम जो है ये तभी होगा जब ये इनेबल्ड होगा। ठीक है, ये यहाँ से इनेबल हो जाएगा। ओह सॉरी, थर्ड वन है अपलोड डिफॉल्ट्स,
बेसिक इन्फो जो है मैंने क्या लिखी हुई है, इतना लिखा हुआ हाउ टू अर्न ऑनलाइन, बाकी हर वीडियो में खुद ही सेट कर लेता हूँ, पहले ये लिखा हुआ आ जाता है। डिस्क्रिप्शन जो मेरी है ये लिखी हुई आ जाती है, मेरे जो टैग्स हैं या मेरे लिंक आईडीज़ के लिंक हैं या फेसबुक का लिंक है या व्हाट्सएप का नंबर है, ये हर चीज़ मेरी लिखी हुई आ रही होती है, ठीक है। विजिबिलिटी पब्लिक, यानी कि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट ही पब्लिक ही होगी, अगर उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो वहाँ से भी कर सकता हूँ, जब मैं अपलोड कर रहा होता हूँ मैंने आपको दिखाया था। ये टैग्स हैं जो हर वीडियो में ऑलरेडी मेरे शो हो जाते हैं कि ये आपके लगे हुए हैं, नए सिरे से मुझे नहीं लगाने पड़ते। अगर कोई मैं किसी और तरह की वीडियो जैसे यूट्यूब की है ये अपलोड करता हूँ तो मुझे चेंज करने पड़ते हैं वहाँ पर अपलोड करते वक्त, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। एडवांस सेटिंग में क्या है, लाइसेंस पहले नंबर पर आता है, क्रिएटिव कॉमन्स अट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आप कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड नहीं कर रहा क्योंकि मैं ज़रा अपने हिसाब से दे रहा हूँ, कभी कोई चीज़ तो खुद से बना रहा होता हूँ वीडियोस, तो मैंने ये लगाया हुआ है। कैटेगरी क्या है, एजुकेशन, मेरी तो एजुकेशन ही है ना, एक किस्म की एजुकेशन ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना किसी चीज़ के रिलेटेड, सो मैंने एजुकेशन का रखा है, किसी ने कॉमेडी के रिलेटेड बनाया, एंटरटेनमेंट के बनाया, पीपल्स एंड ब्लॉग्स गेमिंग्स का, वो आप कैटेगरी अपने खुद सेट कर सकते हैं। वीडियो लैंग्वेज उर्दू मैंने की हुई है, उर्दू में बना रहा हूँ ना, वही यार चेंज ना हुआ करो, खैर सेव नहीं करता। एक ये चीज़ है, द कॉन्टेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द US, द कॉन्टेंट हैज़ ओनली एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द US विदाउट कैप्शन, ये सारी चीज़ें आप जब अपना कॉन्टेंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, नन लगा देंगे या जो ये लिखा हुआ कि वहाँ पे कभी उस पर एयर नहीं हुआ, बल्कि वही लगाएंगे ना, नेवर एयर ऑन टीवी, ठीक है। कमेंट्स का ऑप्शन है, अलाउ ऑल कमेंट्स, ठीक है। हाइड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, ठीक है। होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, डिसेबल कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर कोई कमेंट ना करे डिसेबल कर दें। हाई होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, कोई भी कमेंट आता है तो आप उसको पहले रिव्यू करेंगे कि ये पब्लिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप वो कर सकते हैं। होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, अब यूट्यूब भी उसको देख लेता है ना कि अगर किसी में कोई गाली वगैरह दी हुई है या कोई गलत वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं तो उसको ये रोक देगा, या अगर किसी ने सब्सक्राइब करने का कहा हुआ या इस तरह के तो वो होल्ड कर देगा, ठीक है। मैंने अलाउ ऑल किया हुआ, ठीक है। यूज़र्स कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, ठीक है। यूज़र्स, मैंने इसको चेक किया हुआ बॉक्स को, ठीक है, क्योंकि मैं ओके कर रहा हूँ, मेरा कोई पंगे वाला काम है ही नहीं, ठीक है। सेकंड ये चीज़ है परमिशंस फॉर मारा थीम, सियाल चैनल नेम आ रहा है, मेरा डायरेक्ट नेम नहीं आ रहा। एड और चेंज परमिशंस फॉर दिस चैनल, फॉर नाउ दिस परमिशन वॉट अप्लाई टू सम चैनल फीचर्स एंड पार्ट ऑफ यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे अब ओनर मैं ही हूँ, ठीक है, मेरा ईमेल है, मेरा नाम आ रहा है, मैं इसको जो है चैनल को सेट वगैरह कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और को भी इन्वाइट करना चाहूँ, ईमेल एड्रेस मैं दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सेस उसको देता हूँ एज अ मैनेजर, एडिटर, एडिटर लिमिटेड, व्यूअर लिमिटेड, यानी कि किसी और को हैंड ओवर कर रहा हूँ जो मेरा चैनल मैनेज करे, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ, उसको परमिशंस दे सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या चीज़ है, कम्युनिटी ऑटोमेटेड फिल्टर्स, ये चीज़ें अभी मैंने यूज़ भी नहीं की हैं, ठीक है। तो यहाँ हिडन यूज़र जो हैं, ब्लॉक वर्ड्स जो आप वर्ड ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो आपके चैनल पे शो ना हो, मॉडरेटर्स जो है उसको आप ऐड कर सकते हो, ये डिफॉल्ट्स पे है। कमेंट और योर चैनल वगैरह, मैसेज इन योर लाइव चैट, होल्ड पोटेंशियली अप्रोप्रिएट चैट मैसेजेस फॉर रिव्यू, अगर कोई गलत मैसेज आ रहा है कोई लाइव चैट में तो उसको होल्ड करके रखें, आपका वेरिफिकेशन करने के बाद उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें चैनल सेटिंग, मेन चीज़ हमारी ये है कि परमिशंस तक जो है ये अपलोड डिफॉल्ट्स चैनल, ये तीन जो टैग्स हैं यही आपके काम के हैं, जो एक यूट्यूबर को चाहिए कि वो अपनी सेटिंग जो है अपने हिसाब से कर ले, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे जब बेसिक इन्फो है, बेसिक इन्फो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लगाएं, ऐसे कीवर्ड्स लगाएं जिन पे आपका चैनल की SEO अच्छी हो जाए। कीवर्ड्स का मेन एक जो पॉइंट होता है वो SEO के रिलेटेड ही होता है, कि आपका चैनल जो है उन कीवर्ड्स को कोई अगर सर्च करता है तो आपका चैनल उसके सर्च में आए, ठीक है। SEO तो आप लोग जानते ही होंगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो मेन गूगल पे ही होता है, क्योंकि गूगल एक मेन सर्च इंजन है, वैसे अब तो आंसर इंजन भी बन चुका साथ ही, लेकिन मेन बेसिकली वो सर्च इंजन है, ठीक है। उसके लिए लोग करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो सर्च करते हैं चीज़ें गूगल पे करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, तो अगर हम गूगल पे भी करते हैं तो हमें यूट्यूब से वीडियोज़ जो हैं सजेशन लाजमी आती हैं, ठीक है।
तो अगर आपके चैनल और ये कीवर्ड जो चैनल के हैं वो अच्छे दिए हुए हैं और वीडियोस के अच्छे दिए हुए हैं तो वो आपके चैनल की SEO अच्छी हो जाएगी, आपका सर्च में भी शो होगा। ठीक है, जो भी आप सेटिंग करते हैं साथ साथ आप सेव का बटन लाजमी दबाएंगे, ठीक है, ताकि आपका वो सेव होता जाए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसकी आपको अच्छी खासी समझ आ गई होगी कि सेटिंग इसकी जो है कहाँ से होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, बाकी इतनी मुश्किल तो है नहीं यूट्यूब, सिर्फ मुश्किल यही है कि आपने अच्छा कंटेंट देना, उसको वायरल करना है कह लें, अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।